हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। एक बार फिर से एक नई और जानदार वीडियो के साथ में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया हमारी कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और वो हर किसी के सामने एक भयंकर सा सच बनकर उभरी है, जिसका नाम है बेरोजगारी। दोस्तों, आज की वीडियो हम जानेंगे कि बेरोजगारी क्यों इतनी स्पीड से बढ़ रही है, क्या बेरोजगारी रियल में है या नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए लास्ट तक जरूर देखें, जिसमें आपके लिए बहुत अच्छे से पूरी डिटेल में आपके लिए जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो के लिए शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ दिस वीडियो। पढ़ाई दोस्तों हम क्यों करते हैं? ज़्यादातर हमारे लिए जवाब आते हैं योग्य बनने के लिए तथा पैसा कमाने के लिए। लेकिन क्या ये सच है कि हम योग्य बन पा रहे हैं, क्या हम पैसा कमा पा रहे हैं? दोनों ही पैमानों में हम गलत साबित हो रहे हैं। योग्यता आज हमारे लिए कैसी मिल रही है? दोस्तों, हमारे लिए पढ़ाया जा रहा है कि अकबर महान था, इल्तुतमिश की उपलब्धियाँ, कॉस थीटा एंड साइन थीटा। दोस्तों, क्या बता सकते हो कि जब हम किसी जॉब के लिए जाते हैं तथा उसमें पूछे जाने वाले इंटरव्यू इन सब चीज़ों से कितने परसेंट तक रिलेटेड होते हैं? दोस्तों, जब हम किसी जॉब के लिए करते हैं तो उसमें जो वर्क होता है वो कितने परसेंट इन सब चीजों से रिलेट होता है? दोस्तों, हर तरफ लोग चिल्ला रहे हैं बेरोजगारी बेरोजगारी। मैं मानता हूं कि हाँ, बेरोजगारी इंडिया के अंदर है, लेकिन यह भी सत्य है कि नौकरियों की भी इंडिया के अंदर कोई कमी नहीं है। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि अभी आप कह रहे थे कि बेरोजगारी है और अब आप कह रहे हैं कि नौकरियों की कमी नहीं है। ऐसा इसलिए दोस्तों, बहुत सी ऑनलाइन वेबसाइट है जिन पर नौकरियों की भरमार है, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आप लोगों को नौकरियां क्यों नहीं मिल रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो नौकरियां हैं, जिन वैकेंसियों की जरूरत है, जहां पर लोगों को वो काम करने की जरूरत है, उन नौकरियों को जो योग्यता चाहिए, जो अवेलेबिलिटी चाहिए, वो योग्यता हमारे पास नहीं है। सो दैट हमारे लिए वो नौकरियां नहीं मिलती। आपने जरूर देखा होगा, हमारे एजुकेशन में कहीं भी पब्लिक स्पीकिंग नहीं सिखाई जाती है। हमें कस्टमर को कैसे डील करना है, ये हमें नहीं सिखाया जाता है। हमें नहीं सिखाया जाता है कि कैसे हमें अपने काम को 100% फोकस्ड करके अपने काम को अंजाम देना है। हमें हमारे एजुकेशन में नहीं सिखाया जाता है कि मुसीबतों में हमें क्या करना है तथा कैसे उनका सामना करना है। हमें खुद टूटना है या फिर मुसीबतों को परास्त करना है। एक अनपढ़ व्यक्ति नेता बन जाता है क्योंकि वो कभी स्कूलिंग के चक्कर में नहीं पढ़ता है, और पढ़ा भी है तो बहुत ही थोड़ा। उसने पब्लिक स्पीकिंग सीखकर अपने अंदर एक आर्ट ऐसी पैदा कर ली कि 10 लोगों को इकट्ठा कर उन लोगों को प्रभावित इन्फ्लुएंस करने की उसके अंदर आर्ट आ गई, और उसी वजह से लोग उसके साथ में मिलते चले गए, जुड़ते चले गए, और एक ऐसा समय आया कि वो बहुत बड़े जाकर आगे चलकर पॉलिटिशियन बन गए। अगर पब्लिक स्पीकिंग की आर्ट आप में भी है और आप भी लोगों के लिए प्रभावित कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप में ग्राहकों को संतुष्ट करने की कला है तो आप कितना भी बड़ा व्यापार खड़ा कर करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें हमें नहीं सिखाई जाती हैं। हमारा एजुकेशन इस तरह का नहीं है जो हमें बदलते समय के हिसाब से हमें बदलाव से भरी चीज़ें दे सके। दोस्तों, आप खुद अपने आसपास की चीज़ों को महसूस कर रहे होंगे या देख रहे होंगे कि कितना कुछ समय के हिसाब से अब तक बदल चुका है। पत्रों की जगह जो कबूतर ले जाया करते थे, अब उनकी जगह हाईफाई डिजिटल मैसेंजर आ गए, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे फिर वो फेसबुक है। 1G की स्पीड से चलने वाले काम अब 4G पर डिपेंड हो गए। पेट्रोल तथा डीजल से चलने वाली गाड़ियां अब इलेक्ट्रिकल हो गई। दोस्तों, सब चीज फिजिकल से अब डिजिटल हो गई। सब कुछ बहुत तेजी से बदल गया, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम आज तक नहीं बदला। पहले के है जैसा ही आज भी हमारा एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है। आज के रोजगार के लिए, आज अगर हमें रोजगार पाना है दोस्तों, तो हमारे लिए अच्छे नंबर, अच्छे टेस्ट पास करने की जरूरत नहीं है। आज हमारे लिए जरूरत है एक ऐसी स्किल की जो स्किल हमें आगे ले जाकर डेवलप कर सके, हमारी एक पहचान बना सके। दोस्तों, टेस्ट या नंबर नहीं, मार्क्स नहीं, एक अच्छी स्किल हमारे लिए चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें तथा हमारे इस चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके लिए हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊँ तो आप मेरे लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो के लिए लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।